बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के इलाके चुंग में सीआईए इकबाल टाउन पुलिस और गैंगस्टर्स के दरमियान मुबैना मुकाबले में अली खोखर हलाक हो गया। ज़राए का कहना है कि सीआईए इकबाल टाउन ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिन्हें एक एक करके हलाक किया जा रहा है। आइंदा चंद रोज़ में मजीद 2 जेरे हरासत मुलजमान को पार कर दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि चुंग में पुलिस और शूटर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में टारगेट किलर अली खोखर हलाक हो गया। मुलजम अली रजा खोखर इकबाल टाउन डिवीजन लाहौर में दहशत की अलामत समझा जाता है और लाहौर की टॉप 10 लिस्ट में शामिल था। पुलिस के मुताबिक हलाक शूटर को चंद रोज कबल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे निशानदेही पर जाते हुए मुलजम को साथियों ने पुलिस से छुड़वा लिया। पुलिस टीम ने ताकुब किया और एलडीए एवेन्यू के पास पुलिस ने गैंगस्टर्स को घेर लिया और फायरिंग का तबादला हो गया, जिससे अली खोखर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि शूटर अली खोखर टारगेट किलिंग, भत्ता, कत्ल, इकदामे कत्ल के 24 मुकदमात में मुलविस था। उसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस तर्जमान का कहना है कि जिस भी मुलजम को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी निशानदेही पर उसके मजीद साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, इसलिए उसके साथी उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के वाकयात होते हैं। पुलिस कोई जाली मुकाबला नहीं करती।